आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के बलसवा डेरी इलाके में खौफनाक घटना। 6 और 8 साल की बच्चियों को ट्यूशन टीचर ने कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। टीचर की गिरफ्तारी के लिए स्वाति मालीवाल का दिल्ली पुलिस को नोटिस। बच्चे के साथ की गई बेरहमी से मारपीट, उसके बाद से ही बच्चियां डरी और सहमी। भलसवा डेरी थाना पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। ट्यूशन टीचर की गिरफ्तारी के लिए ही महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दिया नोटिस। नोटिस पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, जिन गुरु को देवता का दर्जा दिया गया है और जो गुरु बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देकर उनके भविष्य को उज्जवल करने का काम करते हैं, ऐसे ही एक गुरु पर सवालिया निशान तब खड़े हुए जब उन्होंने 2 मासूम बच्चियों को महज इसलिए प्लास्टिक के पाइप से बुरे तरीके से मारा कि वह मैथ का एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई। मामला दिल्ली के भलसवा डेरी थाना इलाके के मुकुंदपुर पार्ट 2 का है, जहां पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 2 बहनें पास के ही रहने वाले कुलदीप नाम के एक व्यक्ति से ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। कुलदीप, जो कि मुकुंदपुर पार्ट 2 के गली नंबर 8 का रहने वाला है, वह पिछले 1 महीने से गले की कई बच्चियों को ट्यूशन पढ़ा रहा है और ये दोनों मासूम बच्ची हैं। अभी कुलदीप के पास ही ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, जहां कुलदीप ने दोनों बच्चियों को गणित का एक सवाल सुलझाने के लिए दिया, लेकिन जब उसका जवाब ये बहन नहीं दे पाई तो एक कमरे में बंद करके दोनों बहनों को कुलदीप और उसकी पत्नी पिंकी ने प्लास्टिक के पाइप से इतनी बुरी तरीके से मारा कि वह बच्चियां अभी डरी और सहमी हुई हैं। शरीर पर पड़े हुए निशान ये सब बयां कर रही हैं कि इन बच्चियों के साथ किस तरीके से मारपीट की गई है, जबकि किसी भी टीचर और यहाँ तक कि माता पिता तक को पढ़ाई के संबंध में बच्चों को मारना पीटना पूरे तरीके से गैरकानूनी है। जैसे ही इस बात की जानकारी परिजनों को लगी, परिवार वालों ने भलसवा डेरी थाना इलाके में सूचना दी। साथ ही स्वाति मालीवाल, जबकि महिला आयोग की अध्यक्ष है, उनको भी इस बात की मालूमात हुई, जिसके बाद उन्होंने SHO भलसवा को नोटिस दिया और मांग की कि जल्द ही आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया और लगातार पूछताछ जारी है। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। बेटा, आपको टीचर ने किस लिए मारा था? मेरे को एक सवाल नहीं याद था, इसलिए मारा था। क्या चीज से उन्होंने मारा था? प्लास्टिक के पाइप से गेट बंद करके। उनके साथ में कितने लोग थे जो मारने वाले थे? 2 जने, एक उनकी बीवी और एक वो भैया। तो उन्होंने उनसे आपने बात नहीं करी कि आप सर इतना क्यों मार रहे हो? नहीं, वो ना बोले मुझसे वीडियो करूंगा तो बात नहीं करना मुझसे, इसलिए मैंने बात नहीं करी। अच्छा, उसके बाद आपने घर पे आया तो क्या बताया? मैंने बोला मम्मी, मेरे को ना भैया ने आज मारा था। तो मम्मी ने मेरे को मेरे हाथ पैर देखे थे, आंख साथ देखी थी, तभी मेरे पापा टाई के लंग बैठे थे और मेरी मम्मी ना टाई के लंग से पापा को बुला के लाई थी, तो पापा और नाना ना उनके पास गए थे, हैं फिर उनको मारा था, फिर पुलिस को बुला दिया था, तो पुलिस उनको जेल में पकड़ के गई थी और हम हॉस्पिटल ले दवाई लेके आ गए थे घर पे। अभी आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ा बहुत रात को सो नहीं पाती, दर्द होता है। रात को सो नहीं पाते? अच्छा, आपकी छोटी बहन को भी मारा था? हाँ। आपको भी मारा था? हाँ। अच्छा, किस लिए मारा था आपको? किस लिए मारा था सर टीचर ने? क्या नाम है आपका? तिलक सिंह। तिलक जी, क्या है पूरा मामला? ये 30 तारीख को ट्यूशन गई थी, ये 5 बजे गई थी, 7:30 बजे इनको मार पीट करी थी बच्चों की, ये घर पे आए थे बेहोश हो गए ये हम ले के इनके पास गए थे, वो बोले कि सॉरी गलती हो गई, फिर हमने ये थाने में सफाई करवाई थी। अभी तक क्या कार्रवाई रहा?
अभी तो थाने में ही बंद है। अच्छा, आपके कितने कितने साल के बच्चे हैं? एक 6 साल की है, एक 8 साल की है। अच्छा, दोनों बच्चे कितने महीने से ट्यूशन पढ़ रहे थे वहाँ? वो एक महीना 6 तारीख को ट्यूशन लगी, 30 तारीख तक उनने मारपीट कर दी बच्चों को। अच्छा, क्या रीजन क्या रहा, मारने के क्या रीजन रहा? बच्चों अब ये तो नहीं पता, ये बच्चों ने कोई पता, बच्चों ने कही कि हमें बेफालतू मारा और गलती हो गई, वो एक एक सवाल याद नहीं आ रहा था, उसी बात पर मारा था बच्चों। इस तरह से बेरहमी से पीटा गया बच्चे को, अभी तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई करा तो आप उस कार्रवाई से खुश है या नहीं है? हाँ सही है। क्या रहा, पुलिस ने क्या कार्रवाई करा? बोला गया हम इसको बंद करेंगे थाने जेल में। अच्छा, क्या वो प्राइवेट सेंटर चलाता था ट्यूशन का? हाँ प्राइवेट है। कितने बच्चों को पढ़ाता था? अब बड़े बड़े बच्चों को भी पढ़ाता, छोटे बच्चों को भी पढ़ा, ये नहीं पता कितने बच्चे थे उसके पास। अच्छा, कहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता था, एड्रेस बताएंगे? 8 नंबर गली। एड्रेस बताइए? 20 फुटा रोड, 8 नंबर गली। जगह कौन सी है? यही है पार्ट 2। एड्रेस क्या है पूरा बताइए? मुकुंदपुर पार्ट 2, 8 नंबर गली। क्या नाम है आपका? बसंती। बसंती, क्या है आपके बच्चे को टीचर ने मारा था, क्या रीजन कुछ पता चला? हाँ, बच्चे बताए थे एक सवाल नहीं आ रहा था, तो उसी के पीछे पाइप से प्लास्टिक का पाइप था, उसी से दोनों मियां बीवी ने, दोनों लोगों ने पकड़ के और मारा था प्लास्टिक के पाइप से। अच्छा, दोनों बच्चे को बेरहमी से आपकी चोट आई है, मेडिकल अभी करा है, पुलिस प्रशासन का क्या कार्रवाई रहा? सुनवाई कर रही है। क्या उन लोगों के क्या हिरासत में पुलिस लिया है या नहीं लिया? हाँ, थाने में बंद है, लिया है दोनों के एक को? एक को ही लिया है। अच्छा, बच्चे कितने महीने से वहाँ पढ़ रहे थे? पिछली 6 तारीख से पढ़ रहे थे और ये 30 तारीख को उसने मार लगाई थी। हाँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया था कि किस लिए उन्होंने मारा था। हाँ। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा राजवती। राजवती जी, आपकी नाती नतनी के साथ में टीचर मारा है, क्या है पूरा मामला बताइए? ये बच्चे दोनों ही मारे थे और ये ट्यूशन गए, इसलिए कुछ आया नहीं, थोड़ा बहुत इन पे तो समझाया नहीं, डराया नहीं कि कल याद करके आना, उन्हें ऐसी बुरी बात से पिटाई करी। किस चीज से पिटाई किया था? प्लास्टिक के पाइप से बता रहे बच्चे। अच्छा, एक कितने दिन से बच्चे जा रहे थे ट्यूशन? 1 महीने से। वो कहाँ का रहने वाले है जो टीचर है? अलीगढ़ का। अच्छा, क्या नाम है? कुलदीप। उसके वाइफ के क्या नाम है? पिंकी, मुझे तो बताया उसने, अब और कुछ होगा तो हमें पता नहीं है। अच्छा, तो ये दोनों मियाँ बीवी क्या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे? हाँ जी। इस तरीके से बेरहमी से पीटा गया, क्या पुलिस का अभी तक क्या कार्रवाई रहा? पुलिस के पास थे, अब पता नहीं छूट गएगा नहीं, वो तो फैसला के लिए बोल रहे, हमने करा नहीं कि हमें बच्चे प्यारे हैं कि पैसा प्यारा है, मर जाता तो बच्चे कहाँ से आते, सबके बच्चे बराबर हैं, तो और भी देख रहे, सारे कह रहे थे गलत मारा, पुलिस वाले भी बोल रहे और भी लेडीज थी वहाँ वो भी कह रही। क्या ये टीचर पहले भी किसी बच्चे को भी इस तरह से मारा? पहले भी मारा था, हमें पता नहीं चला, नहीं तो हम क्यों भेजते वहाँ पढ़ने के, 2 बच्चे पहले मारे। अच्छा, ये आपको कब पता चला कि पहले भी इस तरह से? ये हमारी लड़कियों का ये हयास्ता हुआ उसके बाद पता चला कि हमारे भी मारे, एक के गला दबा दिया तो नाक से खून आ गया, एक लड़के को और भी मारा, वो नहीं गया उस दिन से, छाती में और पीठ में लात मारी उसे। ये नशा फसा करता है, पता नहीं क्या करता है, उन्हें इतनी बुरी तरह से कोई नहीं मारेगा, सबको रहम आएगा, ये सुनते हैं कि गांजा वांजा पीता है। अच्छा। अब पता नहीं, हम उसके पास तो रहते नहीं, बाद में ही सुन रहे हैं ये बात है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।